नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज के खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। इंडिया फर्स्ट स्टूडियो में आज के हमारे मेहमान हैं जीतू पटवारी जी, कांग्रेस के तेज तर्रार और युवा विधायक हैं जीतू पटवारी जी। जीतू जी, कई मुद्दे आप उठाते हैं, खासतौर पर घोटालों को लेकर आपकी जो तेज तर्रार शैली है वो देखी जाती है। हाल ही में आपने एक मुद्दा उठाया ऊर्जा विभाग का, बिजली की खरीद फरोख्त, और कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले की ओर आप यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तीन मामले, एक उसमें घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार, दूसरा वितरण में जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कंपनी की खामियों को उपभोक्ताओं पर भार डालना, मैं समझता हूँ इन सब बातों को लेकर मध्य प्रदेश के शासन ने विद्युत उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ी मार की है। मैंने देखा, उसकी पड़ताल की, उसके अंदर गया, साक्ष्यों में गया, तो कोयला खरीदी में, उत्पादन की मध्य प्रदेश की जितनी कंपनियां हैं उनके कोयला खरीदी में, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग में, कोयले का धुलाई में, कोयले के उसके बाद धुलाई के बाद उसके पत्थर निकलते हैं उसमें, और अल्टीमेटली उसकी ग्रेड में, 9 ग्रेड है कि 10 ग्रेड है, कौन सा कोयला जरूरत थी और कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इन सब बातों में तो घपला है ही है। पर जो पिछले 10 साल में 1800 रुपये से ऊपर कोयले की कीमतें नहीं गई, अगर आप सेंसेक्स पे जाएंगे, नेट पे जाएंगे और पता लगाएंगे, वही कोयला मध्य प्रदेश शासन ने 6800, 7200, 5800, 5800, 4800, 4000 इससे नीचे कभी खरीदा ही नहीं। तो क्या कारण था, क्यों हुआ ऐसा, इन सब बातों से ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी वितरण कंपनियों के अधिकारी उसमें ब्यूरोक्रेट्स बिठा रखे हैं, उसमें चाहिए टेक्नोक्रेट्स। चाहे घरेलू बिजली को लेकर हम, आप देखोगे कि जो बिजली मेरे प्रश्न के उत्तर में 4 रुपये एवरेज उत्पादित होती है, उसी बिजली को एवरेज 8 रुपये उपभोक्ताओं को मिलती है, सब तरह के उपभोक्ता, उसमें औद्योगिक भी आ गए और घरेलू भी आ गए, तो ये 8 रुपये फिर भी 5000 करोड़ का ईयरली घाटा, 6000 करोड़ रुपए हम अनुदान 3000 और 3000 ऋण के रूप में अभी इस साल के बजट में लिया, तो कहने का अर्थ ये है, घाटे में फायदा सरकार के नेताओं का है, अधिकारियों का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, वो लोग जो इसमें पूरे तंत्र में घुल मिल गए उनका है, या उन लोगों से जिनसे सप्लाई होती है, चाहे बिजली की कंपनियां हो, चाहे कोयले की कंपनियां हो, चाहे और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर धुलाई से लेकर अलग अलग जिन्होंने ठेके ले रखे हैं वो कंपनियां हो, इन सब से मिली भगत से एक रैकेट काम कर रहा है और आम उपभोक्ता को मार पड़ रही है। ये रैकेट जो काम कर रहा है, आपने काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन किया है जीतू पटवारी जी, क्या आप नाम लेकर बताएंगे कि कौन वो अधिकारी हैं या कौन वो मंत्री हैं? बात जब तक साक्ष्य पूरे नहीं हो, इसका एक कैलकुलेट पार्ट है कि जो अधिकारी इस सिस्टम में रहे, और इसका एक व्यक्ति जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी थी वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान इस नाते हैं कि वो 11 साल 12 साल से खुद मुख्यमंत्री है। आप उसके बाद देखोगे उन्होंने लंबे लंबे हाथ करके ये कहा कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, सरप्लस बिजली है पर उपभोक्ता को राहत नहीं है, सरप्लस बिजली है पर दिन पे दिन हमेशा बिजली के रेट बढ़ाते जा रहे हैं, सरप्लस बिजली है महंगी बिजली खरीदते हैं सस्ती और राज्यों को बेचते हैं, सरप्लस बिजली है जो उत्पादन करने वाली मध्य प्रदेश की इकाइयां हैं जो 100-100 मेगावाट हर साल जनरेट करनी चाहिए वो 30% जनरेट कर पाती है, उसका मिसमैनेजमेंट है, सरप्लस बिजली है, मिसमैनेजमेंट है कि भ्रष्टाचार के लिए जबरदस्ती मिसमैनेजमेंट, बिल्कुल ये मिसमैनेजमेंट इस नाम की है कि हमारे इकाइयां अगर ज्यादा उत्पादन करेगी तो हम प्राइवेट सेक्टर से कैसे खरीदेंगे, और जब उनसे खरीद नहीं सकते तो फिर बेचेंगे कैसे। दुनिया में पहला अर्थशास्त्र मैंने देखा मध्य प्रदेश में कि सस्ती बिजली बेचो और महंगी खरीदो और उसका भार आम उपभोक्ता और सरकार पे डालो। महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर सरप्लस बिजली है मध्य प्रदेश में तो सबसे पहली बात है कि जो दर होनी चाहिए बिजली की, जो रेट होनी चाहिए वो काफी कम होनी चाहिए। नहीं, बात यह है कि आप उत्पादन आप ही कहते हो, आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम उत्पादन की बिजली हमें खर्चा इतना आता है, 2.37 रुपये से लेके 2.80 रुपये तो हमें रिलायंस देता है, हमारे उत्पादन करने वाली वो 2.5 रुपये तक होती है, हम कहीं कहीं 3.5 रुपये में भी खरीदते और कहीं कहीं 4 रुपये में भी खरीदते, अलग अलग उन्होंने कंपनियों का दिया, एवरेज हमने माना कि 4 रुपये में खरीदते हैं तो 8 रुपये में बेचते हो एवरेज, फिर भी घाटा, ये कैसा मैनेजमेंट है, ये करप्शन है। ये टोल टैक्स की हम बात करेंगे, महाराष्ट्र जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर टोल टैक्स पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, बात ये है कि जितनी भी टोल वाली रोड़े हैं
वो नेशनल हाईवेज हो या चाहे राज्य की हमारी रोडें हो या उसके अलावा कोई औद्योगिक AKVN की रोडें हो, मैं समझता हूं कि जहां जहां भी टोल लगे हैं उनकी परिधि कई जगह पूर्ण होने के बाद भी टोल चलते हैं, एक तो यह। दूसरा, जिस तरीके से टोल के रेट मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी और विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री की मिलीभगत से जो चेंज होते रहते हैं, ये एक अलग घपला है। लेकिन एक बड़ा सवाल एक आप राजनेता के तौर में पूछ रहा हूँ कि कई जगह कांग्रेस की भी सरकारें राज्यों में, कई जगह भाजपा की सरकारें राज्यों में, अगर बेहतर सड़क है तो सरकार का कर्तव्य है, तो उसके बेहतर सड़क अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए अलग से टोल टैक्स नहीं। बात ये था कि जिस तरीके से हमारे पास इनकम कम थी और फिर भी रोडें अच्छी करनी थी, तो टोल का एक पार्ट प्ले हुआ या टोल का एक मूवमेंट आया, एक प्लान आया, तो जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी रोडों में कोई प्राइवेट इन्वेस्टर लगाए तो बुरा भी नहीं था। पर चूंकि समय बदला, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार बनी, उसने बहुत बड़े स्केल पे इस देश की उन्नति हुई, अब समय बदला है। अब ये विचार भी आता है कि क्या हमने टोल की रोडें जो चलाई इस पेरापे में, सरकार के पास चूंकि आवक बढ़ी है, हमारी इनकम बढ़ी है, तो क्यों ना हम टोल की रोडें कम की जाए, क्यों ना सरकार इसका वहन करे। हम जब एक तरफ रोड टैक्स के नाम पर वाहनों से अलग से लेते हैं और 10 तरह के परिवहन विभाग के टैक्स आम जनता पे पड़ते ही पड़ते हैं, तो ये तो सरकार का दायित्व भी है। पहले परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां नए विचार के साथ टोल की रोडें कम होनी। बिल्कुल, स्कूल शिक्षा की हम बात करेंगे। इस समय जो सबसे ज्यादा अभिभावक जो परेशान रहते हैं वो किताबों के, स्कूलों का जो एक नेक्सस है उससे परेशान है। आपको ध्यान होगा कि स्कूल विभाग के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों के लेकर, उनकी मनमानी को लेकर, वो चाहे किताबों के मामले, पुस्तकों के मामले में हो, फीस के मामले में हो, अन्य किसी भी पार्ट पे, किसी भी क्षेत्र स्कूल से संबंधित, उसके मैंने एक प्राइवेट विधेयक लगाया था। और जब प्राइवेट विधेयक लगाया था उसमें पूरे रिसर्च के साथ कई लोगों ने, करीब 50-60 लोगों ने उसमें अपनी 4-5 महीने की मेहनत दी थी, कई CS थे, कि एक स्कूल का भी बजट कैसे अच्छा हो और पालक को भी ये भार नहीं पड़े और सरकार का भी कैसे नियंत्रण हो, इतनी अधर्मिता भी नहीं हो कि सरकारी स्कूल पर पूरा नियंत्रण पर रखे और ये भी रहो कि सरकार का नियंत्रण रहे, इस तरह का एक विधेयक दिया था। ये सरकार कई सालों से, पिछले 10 साल से कहती आ रही है कि हम विधेयक लाएंगे लाएंगे लाएंगे। अभी मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था कि आप विधेयक लाने की बात पिछले सत्र में की थी, अभी तक क्यों नहीं लाए। फिर उन्होंने अभी कहा है कि हम अगले सत्र जब भी स्कूल का चालू होगा उससे पहले ये विधेयक लाएंगे। कहना ये है कि स्कूल में शिक्षा अच्छी मिले, वहाँ का आधारभूत सुविधाएं अच्छी हो, खेल ग्राउंड हो, इसके लिए जितना मिनिमम चार्ज लेना चाहिए उतना लें। बिल्कुल, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के। उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों पर रोक लगा दी गई है, मध्य प्रदेश में आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैंने आज ही इस प्रश्न को उठाया था कि एक तरफ आपने कहा कि हम बूचड़खाने समाप्त होने चाहिए, यहाँ हम जहाँ बैठे हैं भोपाल में बूचड़खाने का विरोध भारतीय जनता पार्टी का विधायक करता है, क्षेत्र का सांसद करता है, कई और नेता करते हैं, 50 सरपंच करते हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कोई उत्तर प्रदेश के ये बूचड़ खाने का काम देती है और हठधर्मिता बनी रहती है। बिल्कुल, इस समय एक चर्चा भी जोरों से चल रही है कि कमलनाथ जी जो है उनका थोड़ा BJP की तरफ काफी सॉफ्ट रुख है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमलनाथ वो व्यक्ति है जिसने मीसा के समय कांग्रेस पार्टी के साथ दिया था इमरजेंसी। कमलनाथ वो व्यक्ति है जिन्होंने इंदिरा जी पर जब हमला किया था इमरजेंसी के बाद जो सरकारें बनी थी, तब अपने आप को अपनी जान की आहुति देकर देने के साथ साथ उन्होंने कभी मोदी जी की तारीफ नहीं की। उन्होंने ये कहा एक्सपीरियंस के पार्ट पे, आज ये देखोगे आप मुझसे पूछो कि जीतू पटवारी आपके एक्सपीरियंस में और कमलनाथ के एक्सपीरियंस में कितना अंतर है, तो मेरी राजनीति जुम्मे जुम्मे चालू हुई। बात कंपेयर की नहीं है, एक आप पत्रकारिता में है, आप आज 10 साल हुए, 5 साल हुए, 15 साल हुए, पर आपके साथ ही आपके से जिसने आपको सिखाया, अगर वो कंपेरेटिव 15 साल से ज़्यादा उनकी पत्रकारिता का समय है तो नेचुरल है आपसे ज़्यादा अनुभवी होंगे। तो हमारे विरोधी हैं मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हम उनको हराना चाहते हैं पर उनसे नफरत नहीं करते हैं।
हम जब भी उनकी नीतियों का विरोध करेंगे देश हित में करेंगे ही, पर इसका मतलब है कि जो लोकतंत्र ने उनको ताकत दी कि वो चुन के जीते और सरकार चलाए वो तो हम नहीं छीन सकते हैं। कमलनाथ जी ने क्या कहा? कमलनाथ जी ने ये कहा कि लोकतंत्र में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जहाँ तक कंपेरेटिव बात होती है, राहुल गांधी ने बहुत अच्छे सिस्टम डेवलप किए, उसने आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर लोकतंत्र के लिए, नए लोगों के लिए दरवाजे खोले। उनके 15 साल 12 साल के पॉलिटिकल करियर में 3 बार सांसद रहे, महासचिव पार्टी के रहे, वो काम जो वो कर सकते हैं पूरा करने की कोशिश की। अगर इसी पीरियड के मोदी को देखें तो कहाँ थे इस उम्र में मोदी, कोई इतिहास देखेगा, पूछेगा, बताएगा तो आप और हम, हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो ये कंपेरिटिव उन्होंने कहा था। तो एक उम्र का, एक अनुभव का, काम करने के समय का एक वैल्यू होती है, और उसमें अगर उन्होंने कहीं कह दिया तो ये तो सकारात्मकता से लेना चाहिए। इसको ऐसे कैसे कह दिया कि कमलनाथ जी के खून में, उनके भाव में, उनके विचार में, उनके काम करने की शैली में सर्वधर्म संभव है। चलिए एक आखिरी सवाल आपकी पार्टी से संबंधित ही है। हर बार ये जो सवाल, जैसे ही कोई आंदोलन कांग्रेस खड़ा करने जाती है तो उससे पहले सुर्खियां बन जाती है, कांग्रेस में बिखराव है, गुटबाजी है, और कहने के वो परिलक्षित भी हो जाता है, अपने अपने नेताओं के नारेबाजी लगती है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद से ज्यादा। ये बात सही है, किसी भी लोकतंत्र में और खासकर जब जब संघर्ष का दौर हो, राजनीतिक पार्टी में अनुशासन होना चाहिए। ये भी सही है कि कुछ कमियां हैं हमें, तभी हम राजनीतिक दल की परिभाषा, राजनीतिक दल के भाव को अगर हम प्रदर्शित करने को, सत्ता में रहकर जनता की सेवा, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सत्ता में हम कैसे आएं, पर मर्यादा के साथ आएं, लोगों के भाव के साथ आएं। अगर हम नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ कमी है, हमें समय के साथ सुधारना चाहिए। आप भी एक युवा नेता हैं, आप काफी सक्रिय रहते हैं विधानसभा में, आपको भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। नहीं, बात मेरे पास जिम्मेवारी है, मैं और नहीं भी जिम्मेवारी है तो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के विचारों के साथ मैं अपना काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कुछ कमी रह गई होगी शायद, और कोशिश करूँ, इससे अच्छा करूँ। बात मेरी नहीं है, बात सामूहिकता की है, बात एक व्यक्ति की नहीं होती, सब मिलके होती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी जनता तक बात पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रही, या जिन तथ्यों के साथ में जनता के बीच में जाना चाहिए वो तथ्य कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद नहीं है? मैं समझता हूँ इस वातावरण में टोटल ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर करप्शन की एक गंगा बह रही है, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी अगर सही तरीके से अपनी बात नहीं उठा पा रही तो ये हमारी कमजोरी है। ये भी बात सही है कि अगर एक राजनीतिक विपक्ष की भूमिका में, प्लांट वे में, हमारे विभागवार हर चीज की एक स्टडी होके जिस तरीके से इनके लूपहोल्स, जनता की नीतियों में कमी, उसमें से करप्शन के भाव, इन पर लेकर आम जनता के बीच में सही तरीके से जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में वो ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी जी, बेहद ही साफगोई से और बेहद ही स्पष्ट बात यहाँ पे जीतू पटवारी जी ने रखी है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में मजबूत विपक्षी मजबूत लोकतंत्र देता है, और अगर विपक्ष कमजोर हो तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी कम से कम पुरजोर तरीके से मध्य प्रदेश में जरूर निभाएगी, और उन मुद्दों को उठाएगी, उन तथ्यों को उठाएगी जिससे भ्रष्टाचार को बेनकाब किया जा सके। इंडिया फर्स्ट इस मुहिम में लगातार बना हुआ है। फिलहाल आशुतोष को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा, और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, इंडिया फर्स्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि चैनल भी फर्स्ट रहे, और जब आप इंडिया फर्स्ट की बात कह रहे हो, आपने नाम इंडिया फर्स्ट रखा है, तो आपके चैनल से वो बातें पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए जिसमें वास्तव में इंडिया फर्स्ट है। मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं लीजिए। अच्छा है आपका ये इंडिया फर्स्ट, ये जो चैनल है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको, आशुतोष जी को, चैनल को, इनके सहयोगियों को, सबको बहुत शुभकामना मेरी ओर से।